सीकर नगर परिषद की टीम ने सुबह अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। नगर परिषद की टीम ने शहर के तोदी नगर इलाके में एक मकान के सेटबैक में बने अवैध निर्माण को तोड़ा। परिषद की टीम के साथ इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। हालांकि कार्रवाई के दौरान विरोध नहीं हुआ। नगर परिषद आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के सांवली रोड पर तोदी नगर इलाके में B12 ब्लॉक में लोकायुक्त परिवार के जरिए अब्दुल वाहिद ने दिलीप सोनी के मकान में सेटबैक में अवैध निर्माण करवाने की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले में कई बार मकान मालिक को नोटिस के जरिए अवैध निर्माण हटाने के लिए सूचित भी किया गया, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके बाद परिषद की टीम ने सुबह अवैध हिस्से को तोड़ते हुए अनुपयोगी किया है। आयुक्त ने बताया कि मकान मालिक ने एफिडेविट के जरिए यह बताया है कि वह 10 दिन के भीतर अवैध निर्माण को हटा लेगा। सुबह करीब 8 बजे नगर परिषद की टीम कार्रवाई करने पहुंची, जिसके साथ पुलिस जाप्ता और मशीनरी भी थी, लेकिन पास में मकान होने के चलते परिषद की टीम ने मजदूरों से ही मकान के अवैध हिस्से को ध्वस्त करवाया। मकान मालिक दिलीप सोनी ने बाद में स्वयं ही अवैध हिस्से को ध्वस्त करवाने के लिए अधिकारियों के समक्ष एफिडेविट पेश किया, जिसके बाद कार्रवाई रोक दी गई। ये तोदी नगर B12 है, उसके अंदर सेटबैक में निर्माण किया गया था। इसमें एक कंप्लेंट कर रखी थी अब्दुल वाहिद द्वारा, लोकायुक्त परिवार था, तो इसमें सेटबैक में पीछे 10 फीट के सेटबैक में कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो इसको डेमोलिश किया, बिल्डिंग को अनुपयोगी बनाने की कार्रवाई की गई है। और बाकी आवेदक ने एफिडेविट दिया है कि मैं 10 दिन के अंदर अंदर पूरा, क्योंकि अगर आप जैसी भी लगा के तोड़ते हैं तो आसपास के भवनों को नुकसान पहुंचता है, तो वो अपने हिसाब से अंदर दीवार करके और 10 डेज के अंदर वो उसको सेपरेट कर देगा। किसकी बिल्डिंग है सर ये? दिलीप कुमार सोनी जी है, उनकी बिल्डिंग है।